वो बैटरी चार्जिंग की भी थी। बैटरी चार्जिंग की तीन विधियां होती है, एक तो होती है स्तर धारा विधि, दूसरी जो विधि है स्तर वोल्टेज विधि, तीसरी है रेक्टिफायर विधि। अब स्तर धारा विधि के अंदर क्या होता है, सप्लाई वोल्ट का 220 वोल्ट डीसी जहां पर कुछ हो वहां पर ये विधि कार्य की जाती है। तो इस विधि के अंतर्गत सर्किट डायग्राम के अनुसार, जैसे इसका सर्किट डायग्राम, ये इसका पॉजिटिव लिया, ये इसका नेगेटिव लिया, ये सारे स्विचों को हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, और प्रत्येक के सीरीज में क्या करेंगे, जोड़ दिए लेग जोड़ दिए। ये अपने ले लिए, और इन लैंपों को पैरेलल कनेक्ट करके इस प्रकार से ये सकते, और ये इसका मान लो नेगेटिव है नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हिस्सा है, ये पॉजिटिव पर सीधा आपके इस पॉजिटिव के साथ। अब इस पॉजिटिव हिस्से के नीचे आपको एक एम्पीयरमीटर जोड़ना है, ये आपका एक एम्पीयरमीटर, और बैटरी का ये पॉजिटिव हिस्सा भी देगा और ये नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। इस विधि में सप्लाई वोल्टता का मान तो अधिक रखा जाता है, बैटरी अपनी होगी वो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की होगी। इस विधि के अंदर लाइन के सीरीज में लैंपों को पैरेलल करके जोड़ा जाता है। इस विधि में जैसे ही स्विच 1 को ऑन करूंगा उस समय इसके अंदर 0.2 एम्पीयर की करंट जाएगी, स्विच 2 को ऑन करूंगा 0.4 एम्पीयर की जाएगी, स्विच 3 को करूंगा 0.6 0.8 और 1 एम्पीयर की इसमें करंट जाएगी। तो इसके अंतर्गत कनेक्शन करते हैं इसके, ये बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा एम्पीयरमीटर के लगाएंगे हम पॉजिटिव के साथ, और इस पॉजिटिव को इसके साथ कनेक्ट कर, ये आपका एम्पीयरमीटर हो गया, इसका नेगेटिव हिस्सा इसके साथ नेगेटिव जोड़ देंगे, ये आपका सर्किट हो गया पूरा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ूंगा, स्विच ऑन ऑन किया, सप्लाई ऑन की, तो इसमें 0.2 एम्पीयर की करंट जा रही है एम्पीयर मीटर की। जैसे स्विच 2 किया 0.4 0.6 0.8 ये 1 एम्पीयर की करंट। अब इस विधि के अंतर्गत अपने को क्या करना है, शुरू से अंत तक इस तारा पे चार्ज करना है, और इस विधि के अंदर शक्ति व्यय सबसे अधिक होता है, शक्ति व्यय क्या होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए ये अनावश्यक रूप से विद्युत की खपत करेंगे और अपनी बैटरी चार्ज। अब बैटरी जैसे थोड़ी चार्ज हो जाएगी उस समय इसका वोल्टेज बढ़ेगा और थोड़ी सी करंट कम होगी, तो कम हो रही है इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, और जैसे थोड़ी धारा कम होगी इस करंट के मान एक लैंप को और चालू करके और इसकी धारा का स्तर कर देंगे, ये होगी आपकी स्तर धारा विधि। अब सेकेंड नंबर कंडीशन आती है स्तर वोल्टेज विधि। स्तर वोल्टेज विधि के अंदर हम इसको एक लो वोल्टेज के साथ जोड़ेंगे, ये आपका लो वोल्टेज इसको जोड़ेंगे, और इसके सीरीज में एक यूजेट जोड़ा गया है, ये इसे रियोस्टेट, और रियोस्टेट को ये पॉजिटिव के साथ जोड़ गया और ये इसके नेगेटिव। इस विधि में कुछ नहीं है, इस विधि में शुरू से लेके अंत तक बैटरी को स्तर वोल्टेज पे चार्ज किया जाता है। इस विधि के अंदर ये इसके कनेक्शन हो रहे थे, ये इसके पॉजिटिव हिस्से के साथ, ये इसके नेगेटिव हिस्से के साथ, ये आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो रही है लो वोल्टेज, क्योंकि लो वोल्टेज ऊपर से दिए
और बैटरी को मिल रही। अगला जो नेक्स्ट अपना प्रैक्टिकल होगा वो है रेक्टिफायर विधि। अब रेक्टिफायर विधि के अंदर हम एक स्टेप डाउन टास्क ट्रांसफार्मर को लेंगे जिसकी टेपिंग निकली हुई है। इधर हम दे रहे हैं 230 वोल्ट एसी सप्लाई। अब इसकी जो सेकेंडरी साइड है इस साइड में तीन टेपिंग निकली हुई है, जैसे ये इसकी प्राथमिक कुंडली, ये इसकी कोर, ये इसकी सेकेंडरी कुंडली। अब सेकेंडरी के तीन हिस्से ब्लैक येलो ब्लैक। अब इन दोनों के मध्य 24 वोल्ट और इधर 24 वोल्ट होगा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपने को केवल 24 वोल्ट ही चाहिए। अब बैटरी के दो हिस्सों के अपने जैसे ये डायोड का क्रम इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर हमने जोड़ा है। जब बैटरी के नेगेटिव नेगेटिव हिस्से को उठाते हैं ये इसका होगा पॉजिटिव और ये सी का बैटरी के पॉजिटिव को देगा, और जो इसका दूसरा हिस्सा है ये वो हिस्सा इसके साथ जोड़ते हैं। जैसे ये है आपको एक तो ये पॉजिटिव ये यहाँ जुड़ गया और ये बीच का जो पॉइंट है ये आपका इधर जुड़ गया और ये जो एनोड एनोड वाला है ये इसका नेगेटिव हिस्सा जो बैटरी के नेगेटिव हिस्से के साथ जुड़ जाएगा। अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेंगे ये बैटरी के कनेक्शन को हो जाते हैं, ये पॉजिटिव दिया ये नेगेटिव दिया ये लो वोल्टेज के द्वारा, यानी ये ट्रांसफार्मर जैसे ही स्विच ऑन किया आपके बैटरी चार्ज हो रही है रेक्टिफाई। ये है आपकी तीन विधि, इस पर धारा विधि, इस पर वोल्टेज विधि और बैटरी चार्जिंग विधि।